ऑस्ट्रेलिया और फिजी के करीब एक ऐसा मुल्क जहां पर 80% एरिया बिल्कुल खाली है, जिसे न्यूजीलैंड कहते हैं। न्यूजीलैंड जिसमें क्रिकेट, सोकर, बास्केटबॉल जैसे पॉपुलर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। इसके अलावा यहां के बुलंदतर पहाड़, खुशगवार मौसम और खूबसूरत वादियों के होने के बावजूद भी ये मुल्क 80% तक कैसे खाली हो सकता है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। न्यूजीलैंड सब मुल्कों से काफी दूर है। अगर हम इस्लामाबाद या दुबई से जाते हैं तो हम 18 से 20 घंटे जो कि अरेबियन सी और इंडियन ओशन को क्रॉस करने के बाद पहुंचेंगे। असल सवाल ये पैदा होता है कि इंसानों ने इस आइलैंड को आखिर ढूंढा कैसे। रिसर्च करने के बाद पता चला है कि मोरी वो लोग थे जिन्होंने न्यूजीलैंड को पहली बार दरियाफ्त किया था, लेकिन थोड़ी सी मजीद सर्च के बाद पता चला कि 750 में टूपी नाम के एक मोरी ने इसको दरियाफ्त किया था, जो कि एक मछुआरा था जिसे पता चलता है कि न्यूजीलैंड 13वीं सेंचुरी में नहीं बल्कि उससे भी 500 साल पहले दरियाफ्त हो चुका था। सवाल ये उठता है कि कूपे ने न्यूजीलैंड दरियाफ्त कैसे किया। जैसे कि हमने बताया कि कूपे एक मछुआरा था जिसका फूड सोर्स सिर्फ मछलियाँ थी, तो जब भी पानी में जाल डालता था उसके हाथ कोई भी मछली ना आती, जो कि उस पानी में रहने वाला ऑक्टोपस सारी मछलियाँ खा जाता था, जिसकी वजह से कूपे अपने दोस्तों के साथ एक नए आइलैंड की तलाश में निकला। न्यूजीलैंड जा खाने की कोई कमी नहीं है, जिसमें फल, मछलियाँ और भेड़ बकरियों से मालामाल आइलैंड था। मौरी लोग बहुत सुकून से रह रहे थे, उनको किसी चीज की कोई फिक्र या कमी नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश लोग नए आइलैंड ढूंढ रहे थे जिनसे उनकी पावर और ज्यादा बुलंद हो जाए। 1642 में एबल टास्मान ने एक आइलैंड दरियाफ्त किया जो कि न्यूजीलैंड था, लेकिन मौरी लोगों ने उनको बुरी तरह शिकस्त दे दी, जिसकी वजह से उनको वापस जाना पड़ा। लेकिन 21 मई 1840 को ब्रिटिश ने ट्रीटी ऑफ वाइतांगी के जरिए न्यूजीलैंड में अपना कदम जमा लिया, जो कि इन्होंने अपने सामान की ट्रेडिंग के लिए की थी। लेकिन फिर मौरी और ब्रिटिश के दरमियान वार होना शुरू हो गई, जो कि 40 साल चलती रही। कर 1881 में सारे मौरी न्यूजीलैंड से खत्म हो गए, जो कि ब्रिटिश लोगों ने जंग में मार दिए थे। न्यूजीलैंड 80% इसलिए खाली है क्योंकि नॉर्थर्न आइलैंड में 20% आबादी रहती है और मोस्टली ऑकलैंड में रहती है। नॉर्थर्न आइलैंड जो कि बाकी का 80% बनता है, उधर हर तरफ पहाड़ी पहाड़, जहाँ पर रहना नियरली इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से यहाँ आबादी नहीं रहती और सारा आइलैंड खाली है। हमेशा अपने घर वालों से प्यार करें, माँ बाप की इज्जत करें, मेंटल हेल्थ और सेहत का ख्याल रखें, और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।